नमस्कार। वीडियो क्लियर आ रहा होगा, आई होप कि दिख रहा होगा आप लोगों को। और जैसा कि आज ये हमारे भाई नरेश जी जांगड़ जी, जो कि बहुत अच्छे बांसुरी वादक हैं, आज उनके पूज्य पिताजी की चतुर्थ पुण्यतिथि है, और इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया गया कि कुछ प्रस्तुति दूं। तो आज कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष गाने का। मैं मनीष द्विवेदी कानपुर से हूं, और मैं पंडित श्री विनोद कुमार द्विवेदी जी और बहुत ही प्रतिष्ठित गायक आदरणीय उमाकांत गुंडेचा सर, उनका मैं शिष्य हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, नरेश भैया का आह्वान था कि कुछ पिताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारे साथ में हारमोनियम पर हमारे भैया ये बहुत अच्छे कीबोर्ड प्लेयर हैं, उत्तर भारत में आपका नाम है हमारे भैया चंदन जी। और हमारे साथ में तबले पर रवि त्रिपाठी, बहुत अच्छे तबला वादक हैं, युवा कलाकार हैं, ये साथ दे रहे हैं। और हमारे साथ में एक हमारे और भी हैं, आप देख रहे जगह के हिसाब से बैठे हुए हैं, वैभव जी। और हम सब मिल करके एक अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। माँ सरस्वती की कृपा से संगीत में कुछ बहुत होता है तो होता है, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। तो हम लोग माँ सरस्वती को याद करते हैं, और राग सरस्वती में ही एक बंदिश मैं सुनाऊंगा सूल ताल की, और उसके बाद फिर जैसा भी हम लोग चाहेंगे देखेंगे। तो हम पिताजी को पारंपरिक प्रणाम करते हैं, और हम समस्त अपने कलाकार बंधुओं के साथ में प्रणाम करते हैं, गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। और राग सरस्वती की थोड़ी आलाप, जैसा कि ध्रुपद में आलाप का एक महत्व है, तो मैं थोड़ा सा आलाप कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। माँ की कृपा से सभी से आशीर्वाद चाहता हूँ। लीजिए, प्रस्तुत है राग सरस्वती। तानपुरा आ रहा है ना, ऑडियो में अगर कहीं भी कोई कुछ कम ज्यादा लगता है तो मैसेज में मुझे बता सकते हैं। Thank you.
ये बहुत ही रेयर राग है, हम लोग इसको रेयर राग में लेते हैं और है भी, इसमें गंधार भी नहीं है, इसमें षडज ऋषभ और डायरेक्ट तीव्र मध्यम, सारे मापा नीसा सानी धापा मा रेसा, ये इसका आरोह ब्रो है। ध्रुपद में स्वर का एक अपना अलग अंदाज है, ठहराव है।
Re 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 re
संक्षिप्त में ये थोड़ी सी आलाप की थी, उसको काफी देर हम लोग करते हैं, सभी जानते हैं ग्रुप में। और हमारे बुजुर्ग कहीं जाते नहीं है, हम आपके बीच में ही रहते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है, तो सब इसी संसार में है, ये भाव है। और ये हमारे गुरुजी पंडित श्री विनोद कुमार द्विवेदी जी की रचना है, मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। तू ही जग में तू ही कण कण अड़ अड़ में तीन लोक नव खंड सकल सचराचर में। ये रचना है, स्थाई है, अंतरा इसका। दसहु दिशा में तू ही सूर्य चंद्र उडगन तब प्रकाश प्रताप धरती अंबर में। कोशिश कर रहा हूं, कण कण अड़ू में, कण कण अड़ू में।
Thank you.
एक चतुरंग सुना देता हूँ किरवानी राग में आप लोगों को। भगवान कृष्ण के अंतर्गत ये उनकी लीलाओं का वर्णन है और आप देख ही रहे हमारे भैया चंदन जी को, सभी साथी छोटे भाइयों को, सब इस समय स्थितियाँ ऐसी हैं कि कलाकार मिलना बहुत मुश्किल है। कोशिश कर रहा हूँ। कारे कारे नैना बांध चलाइए, भगवान के नेत्र इतने सुंदर हैं कि आप सुनिएगा, ये हमारे गुरु जी की ही रचना है। होता है कि एक ध्रुपद के बाद अचानक से विधा चेंज करना, ये ख्याल अंग से गा रहा हूं। Hey.
कारे नैना बन कारे नैना तारे नैना बानू तारे नैना बानू चलाए कर 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 क
से रचत है। मधुबन में देखो बंसी बजाए करे बन चलाए करे राधा रानी के गले में बाहें डाले हुए हैं और ये भाव है सुंदर। गले बहिया डाले नंद किशोर, गले बहिया डाले, गले बहिया डाले नंद, गले बहिया बाजे डर झान
अच्छा बजाया सभी लोगों ने, और नरेश भैया हमारे सुन रहे होंगे, कुछ आदेश हो तो बताइए और हम इसके बाद
यहीं पर अपने कार्यक्रम को रोकेंगे, क्योंकि भैया को बहुत दूर निकलना है, करीब 5 घंटे का सफ़र है, कार्यक्रम में जाना है। तो जैसा भी हो, जो भी गलतियाँ हो क्षमा करिएगा, अभी हम लोग विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं, और आगे कभी फिर मौका मिलेगा तो हम लोग फिर मिलेंगे और ज़रूर साथ में गाएंगे बजाएंगे। भजन तो मैं 2 लाइन कुछ भी सुना देता हूँ ऐसे ही। भाई भैरवी में 2 लाइन सुना देते हैं। हरी 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 बोल, हरे 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 बोल रसना, हरे 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 हरी नाम की भैया, हो जा बाबू से पार।
समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मौसम का असर है और ठंडा बहुत है, तो सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, इसको शेयर करिएगा और आगे चल के हम लोग जरूर फिर से मुलाकात करेंगे। नमस्कार।